देख रहे हैं न्यूज युग और मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। प्रदेश भर में कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश नेतृत्व के दिशा निर्देश पर आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा के चित्तौड़गढ़ जिला अध्यक्ष रतन लाल गाडरी ने दिया बेतुका बयान, जिसमें गाडरी ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य केवल सदस्य बनाकर सदस्यता अभियान को सफल बनाना है, जिसमें कोई भी व्यक्ति मिस कॉल देकर भाजपा का सदस्य बन सकता है। वहीं पार्टी के पदाधिकारियों से या उनके आचरण से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। एक निजी होटल में भाजपा के जिला पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों की प्रेस वार्ता के दौरान चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के सेमलपुरा में विद्यालय भूमि पर अतिक्रमण के मामले में ग्रामीणों द्वारा भाजपा पदाधिकारी प्रेमचंद्र शर्मा पर आरोप लगाए गए। वहीं पटवारी जांच में भी भाजपा के बस्सी मंडल का ग्रामीण उपाध्यक्ष प्रेमचंद्र शर्मा द्वारा अतिक्रमण किए जाने के मामले में मुख्य भूमिका सामने आई है। ग्रामीणों ने 20x28 क्षेत्रफल की विद्यालय भूमि पर शर्मा द्वारा कब्जा किए जाने के बाद अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा था। इस मामले में जब जिलाध्यक्ष से सवाल पूछा गया तो उन्होंने जिले के पदाधिकारियों की जानकारी होने से इनकार करते हुए यहां तक कह दिया कि पार्टी के पदाधिकारी कुछ भी करें, उनके आचरण से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में साफ है कि केवल सदस्य बनाने की अभियान पर जोर देकर जिले के पदाधिकारी संख्या बढ़ा रहे हैं, फिर भले ही अपराधी प्रवृत्ति के लोग ही संगठन के पदों पर काबिज हो जाएं, इससे पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। हालांकि बाद में बात संभालते हुए उन्होंने मामले में कार्यवाही करने की बात कहकर पल्ला झाड़ लिया, लेकिन पूरे मामले से एक बात तो साफ हो गई है कि भाजपा के पदाधिकारी संगठन की आड़ में कुछ भी करें, उन्हें पार्टी के उच्च अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। जो भारतीय जनता पार्टी में विचारधारा रखते हैं वो हर व्यक्ति स्वतंत्र है, हर खुला मंच है। जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ना चाहता है वो हमारे देश को ऐसा है, देखो जिसका कोई आचरण तो पार्टी ने ठेका नहीं लिया उसका सुधारना काम करता है। अगर उसका कोई व्यक्तिगत मामला इसे आप पार्टी से जोड़ रहे हो तो इसका तो कोई इशू नहीं है। अब कोई भी मिस कॉल करेगा सदस्य बन गया हमारे पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष मंडल पदाधिकारी है जिसके विरुद्ध विद्यालय की भूमि फुटबॉल करने का मामला दर्ज होता है, हमारे और संज्ञान में भी नहीं आई है। ग्रामवासी इतने विज्ञापन दे रहे हैं उसके खिलाफ, लेकिन आज तक पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्यों? मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे ध्यान में आया नहीं इसे, अगर आएगा तो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं सैकड़ों आदमी कलेक्टर पे प्रदर्शन करे हैं, दो नहीं तीन तीन बार, और आपको संज्ञान में नहीं है ऐसा? मेरी बात सुनो तो सर, संज्ञान में अगर ऐसा कभी मैंने ये नहीं पढ़ा है उसमें कहेंगे वो मंडल का उपाध्यक्ष है। पहली बात तो ये मंडल का उपाध्यक्ष, अगर मेरी जानकारी में होता है कि मंडल का उपाध्यक्ष है, आपके बिना जानकारी के मंडल का पदाधिकारी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ यार, मंडल का उपाध्यक्ष के नाम से कोई ज्ञापन थोड़ी दिया क्या? तो कहीं ना कहीं आपके संज्ञान में नहीं है। कलेक्टर पर मेरे पास है, उन्होंने भाजपा के मंडल का उपाध्यक्ष का आरोप लगाया है प्रार्थी ने नाम चंद, अगर मेरी जानकारी में आएगा तो उसकी पार्टी का जो जिम्मेदारी है वो पूरी निभाएगी पार्टी। अब फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही, बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ युग। नमस्कार।